हाउ uh, anger इन योर लाइफ किस तरह की मतलब हमारी मैंने जो फेस किया ना कि हमारी सोसाइटी में जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि हमारी सोसाइटी में जो भी मर्द है ना चाहे वो आपके बाप की शक्ल में भाई की शक्ल में या शौहर की शक्ल में वो कभी गलत नहीं हो सकते हुँ. जब उन्होंने ये माइंड में बिठा लिया ना तो वो किसी भी तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए तैयार नहीं है हुँ. तो आप अपनी सारी एनर्जी अपने वर्ड्स सब वेस्ट करें फिर इन सब चीज़ों में आपको बहुत जगहों पे जब आप स्टैंड करते हैं अपना ओपिनियन के लिए फोर्स करते हैं तो आपको फिजिकल अब्यूज भी देखना पड़ता है इमोशनल अब्यूज भी देखना पड़ता है मेंटल अब्यूज भी आपके साथ चल रहा होता है सब तरह के अब्यूज़ चल रहे होते हैं फिर उस पर सोने पर सुहागा ये होता है कि आप अगर मदर हैं तो आपने अपने इन सारे अब्यूज से अपने बच्चों को बचाना होता है मेचोरिटी इसमें होती है जो हमारी सोसाइटी में लड़कियाँ नहीं कर पा रही होती प्रेशर से इतने ज्यादा कैसे करें वो उनकी अपने बेचारों की खराब हो जाती हूँ बच्चों को कैसे सेफ काया कर मैंने हाँ। अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी थी मेरी लाइफ में बहुत ट्रॉमास रह चुके हुए हैं बहुत इमोशनल अब्यूज़ रहा हुआ। चुका हुआ है बचपन के भी ट्रॉमास हैं फिर मैरिड लाइफ के ट्रॉमास हैं और अभी तक मैं डील कर रही हूँ मैंने हमेशा अपने आप को अपने अल्लाह से कनेक्ट किया मैंने तहज्जुद के टाइम पे अपने रब से रो के उस वक्त सब चीज़ें डिस्कस की हैं और उस वक्त जो स्ट्रेंथ आती है ना जब आप रिलेशनशिप्स पे गिव अप करते हैं ना तो फिर आप इन द एंड अपने क्रिएटर के पास जाते हैं ठीक है ठीक हो गया ये टॉपिक तो खैर बहुत लंबा है मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप करके मैं आपसे पूछूँ कि क्या एडवाइस करेंगी हमारे काउंटर पार्टनर्स को भी मेल्स को भी और फीमेल्स को भी कि हाउ दे शुड डील इट और हमारे काउंटर पार्टनर किस तरह का बिहेवियर करें कि उनके अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो बन जाए कि वो टूटने तक ना जाए बच जाए तो क्या होगा तक रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है hmm. अगर वो उसकी रिस्पेक्ट करता रहेगा hmm. और उसकी बात को वैल्यू करेगा अंडरस्टैंडिंग करेगा उसको सुन ही लेगा ना hmm. सबसे बड़ी बात आप साइकोलॉजिस्ट हैं आपके hmm. पास सिर्फ बंदे आते हैं अपने आपको नरेट करके चले जाते हैं दे फील गुड वो औरत अगर अपने हस्बैंड के साथ नरेट कर लेती है अपनी प्रॉब्लम और उसको ये फिक्र नहीं है एक बंदे की सपोर्ट जरूरी है, hmm. है। वो ये कह के जाओ जो करके आ सकते हो आ जाओ मैं हूं ना खड़ा मैं सपोर्ट तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये चीज़ है। सपोर्ट करूंगा चीज जरूरी 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 है जरूरी है जरूरी है है रिस्पेक्ट उसकी केयर वो ये दे देगा ना अपनी बीवी को उसकी बीवी कहीं जा ही नहीं सकती दुनिया में वो एक बंदी कहीं और डिवियेट होती ही क्यों है सिर्फ इसलिए कि उसे ये जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना ये नहीं मिल रही रिलेशनशिप को खराब कर हाँ ठीक है थैंक यू सो मच असमा क्या कहेंगी कि मतलब हमारे काउंटर पार्टनर्स को अपनी वाइफ को जब जो सिचुएशंस आप लोगों ने फेस किए अगर उस तरह की सिचुएशन आ रही हूँ तो वो किस तरह से उसको हेल्प करें मैंने पहले भी एक दफ़ा इंडोस किया था कि हमें इस वक्त मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत कंपलसरी है वो हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी जब स्कूल लेवल्स में बच्चे को रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाई जाएगी तो उसको पता होगा मुझे फ़लां रिश्ते के साथ कैसे 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 बिहेव करना है और ये बहुत कंपलसरी होना चाहिए अगर हम देर हो गई है अगर हम स्कूलों में नहीं सिखा सके तो आप कंपलसरी करते हैं ताकि रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन तो रहे ना उनको पता तो हो ना आप आप फरिश्ते तो हैं नहीं ना hmm. हम भी गलत हो सकते हैं वो भी गलत हो सकते हैं एज एज अ अ लड़की 18 की लड़की की भी बहुत ज़्यादा गलतियां कर सकती है <laughs> जब मैं मैरिड लाइफ में गई थी मैंने भी बहुत गलतियां hmm. 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 की है कि भाई अभी अभी, अभी बताओ जिद बना लेना hmm. इस तरह की चीजें हमें लड़कियों को नहीं समझाई जाती hmm. जब यही अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमें कॉलेज स्कूल लेवल पर सिखाई जा रही होगी लड़कों को भी लड़कियों को भी तो वो मेंटली बहुत ज्यादा वाइज होंगे उनको पता होगा कि हमें चीजों को कैसे से लेके चलना ठीक थैंक यू सो मच माई वर्दी गेस्ट